हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेल्कम टू द सेम प्लेटफॉर्म सिल्वर वेल्स ई लर्निंग ऐप। बार बार वही कोर्स, बार बार वही चीज़ें, ठीक है ना। बट दिस इज़ द ओनली ट्रस्टेड चैनल बाई विच यू आर गेटिंग मोर एंड मोर, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड मच मच मोर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गेन कर रहे हो इस चैनल के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने लास्ट लेक्चर में, दैट वाज द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4। एक लेक्चर में इसका आपको डिलीवर कर चुका हूँ। क्या था उस लेक्चर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था कि कार्बन है क्या इनफैक्ट, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और हमने क्या पढ़ा था इससे रिलेटेड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। कार्बन, उसके बेसिक फीचर्स, उसकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। साथ में पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। अब सेकेंड लेक्चर में आज हम कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफ्रेंशिएशन लेके आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। एक बार रिकैप करूं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है। सो इफ वी वांट टू लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, देन सबसे पहले लिख दो कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पर लिख देते इलेक्ट्रोवेलेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, डन। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको पढ़ाया था थर्ड चैप्टर में, और कोवेलेंट बॉन्ड फोर्थ चैप्टर। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड थर्ड चैप्टर में आता है और कोवेलेंट बॉन्ड फोर्थ चैप्टर में, है ना। ये डिफरेंस नहीं है। देखो, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके जो बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, उसको हमने इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोला था। सो दैट मीन्स ये बॉन्ड बनते हैं बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। पहला डिफरेंस है ना। इसमें क्या है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स कब बनेंगे, जब एनी ऑफ द एटम, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम, हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर किया। शेयर करने के बाद अल्टीमेटली क्या स्ट्रक्चर बना दी, दोनों के ये शेयर हो गए, यह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस इज द शेयर, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया था। इसके एग्जांपल, एक NaCl आपके सामने लिखा हुआ है, और CaCl2, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ज़्यादातर, नॉट ऑल, मैक्सिमम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एंड नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, डन। कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड कहाँ बनेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड वहाँ बनेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन रख दो, कार्बन डाइऑक्साइड रख दो, N2 रखो, क्लोरीन रखो। ये देखियो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन दोनों सेम गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, और भी बहुत जगह बनते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि दोनों सेम हो, इट्स नॉट कंपलसरी कि दोनों सेम हो, डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में ही बनते हैं। CH4 के बीच में भी बनेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बनेगा, लेकिन बहुत ही रेयर केस में हमें ऐसा दिखाई देगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड बन रहा है, इट्स वेरी रेयर। चल अब लिखते हैं हम डिफरेंस। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, बात समझने की कोशिश करो। अभी मैंने क्या बताया आपको,
डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब हम इनसे बनने वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर के जो कंपाउंड बनेंगे एंड द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इनकी बात कर रहे हैं राइट। इवन देन अब यहां ऐड कर दूं कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, खींच दो लाइन भैया, जरूरी है ये बीच में सेपरेशन, तभी तो डिफरेंस करेंगे ना। पहली चीज हम वही लिख देते हैं आपको, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट थिंग। दीज आर, लेट मी सी, ये विजिबल है कि नहीं, लेट मी सी वंस, विजिबल है, ओके विजिबल है प्रॉपरली, ब्लरनेस थोड़ी सी थी, दैट वी हैव करेक्टेड ना। क्या कह रहे थे हम, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू डिफरेंट एटम। ये छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, दीज आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैसे बनेंगे, दीज आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में, कि ये कंप्लीट ट्रांसफर के थ्रू बनेगा तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ये शेयरिंग के थ्रू बनेगा तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जब एक इंडिविजुअली कोई काम करेगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि उसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, या पार्टनरशिप है चांसेस ज्यादा रहते हैं ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स दीज आर दीज हैव, लिखो आप हाँ, दीज हैव वीक बॉन्ड बिटवीन देयर एटम्स, वहां आगे लिखते दोबारा में, फर्स्ट सेकेंड, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, दूसरा वीक बॉन्ड होंगे। अब वीक बॉन्ड है तो इनको ब्रेक करने में, वीक बॉन्ड होंगे तो इनको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी की नहीं रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दीज कंपाउंड या बॉन्ड ऑफ दीज कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इजीली या रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। तो हम इसमें आपको क्या, आपके लिए क्या लिखा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो आप मत लिखो है ना, बॉन्ड कैन बी डिसोसिएटेड एट लो एनर्जी, मतलब समझो इसका, ये बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में शेयर किया हुआ है, इसको ब्रेक करने में टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, और यहाँ तो बॉन्ड बना चुके हैं ना, इसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया, Na ने Cl को कंप्लीट दे दिया, तो अब इनके बीच में बॉन्ड तो है बट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है विच इज स्ट्रॉन्गर, इसको ब्रेक करने में टाइम और एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसकी वजह से क्या होगा, they have low boiling and melting point,
बिकॉज ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. द सेम वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर अबाउट द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड. वन एंड टू क्या है? दीज हैव वीक बॉन्ड्स. डायरेक्ट लिखूं, दे हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन एटम्स थर्ड हाई बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड हाई बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, देखो बीपी एंड एमपी है ना, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. ये ब्लड प्रेशर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ध्यान रखना. ये ब्लड प्रेशर है और सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हायर. चार मेजर डिफरेंसेस हो गए, इनमें कोई इश्यूज तो होगा नहीं होपफुली. ठीक है, आगे देखिए. अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. तो कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में कम होता है, या तो लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में, तो इनके स्टेट ऑफ मैटर क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर इन लिक्विड स्टेट और इन गैसियस स्टेट. फिफ्थ लिख देते, इसको इरेज कर दो भैया. होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो वीडियो पॉज करके कर लोगे आप. चलो डिफरेंस नंबर 5 वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर. डिफरेंस नंबर 5 क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड, दीज का मतलब ये है कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, दीज कंपाउंड आर लिक्विड और गैसियस. नेक्स्ट देखो, लिक्विड और गैस स्टेट में होगी तो ये वॉलेटाइल भी है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा. सो मोस्ट ऑफ देम आर वॉलेटाइल इन नेचर. अब वॉलेटाइल इन नेचर क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं, है ना, इसको अंडरलाइन कर देते हैं. व्हाट इज वॉलेटाइल? सेवंथ डिफरेंस, दीज आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं. तो ये दो डिफरेंट टॉपिक्स अभी डिस्कस करें. एट्थ में इसके एग्जाम्पल लिख दो. मैक्सिमम ऑफ पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ठीक है, ज्यादातर पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉन पोलर में, है ना. और कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल्स सबसे पहले यहाँ लिख दो CH4, ये इसका मेजर एग्जांपल है. कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने दो मेजर एग्जांपल लिखे, सेम चीज़ यहाँ आ जाइए. चलिए फिफ्थ, मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स आर लिक्विड और गैसेस इन नेचर. अब इसमें क्या बताया था हमने, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, ये सब नाइन्थ की चीज़ें हैं, है ना। तो क्या होगा, ये सॉलिड्स होंगे। सो मोस्ट नंबर फाइव, मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोस्ट दीज आर नॉन वॉलेटाइल। सिक्स दे, चलो दीज लिख दो, दीज आर नॉन वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल अभी डिस्कस करेंगे ना, इन नेचर। सेवंथ में क्या कह रहा है, दीज आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अभी पोलर सॉल्वेंट क्या है अभी डिस्कस करते हैं, लाइक वाटर। चलिए ठीक है, यहीं डिस्कस हो गया। इसको एग्जांपल की बात करें तो NaCl जो हम यूज़ करते हैं, CaCl2 Na2SO4 एंड ऑल, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे इसमें। अब देखिए इसमें जो दो टॉपिक हैं, वॉलेटाइल इन नेचर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो व्हाट इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपराइज होने लगते हैं। जैसे पेट्रोल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स बनाने शुरू कर देंगे। ओपन सरफेस पे थोड़ी देर पेट्रोल रख दो, उड़ जाएगा, ठीक है। या हमारे हैंड पर अल्कोहल या सैनिटाइजर रखें, वेपराइज हो जाएगा। नेल पेंट रिमूवर, ये वॉलेटाइल है। यानी ऐसे सारे लिक्विड्स जो हमें कांटेक्ट करने पर कूलनेस प्रोवाइड करेंगे, ठंडा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे हैंड की हीट एनर्जी लेके, हमारे बॉडी से एनर्जी लेकर के वेपोराइज हो जाते हैं। 37 डिग्री पर ही वेपोराइज हो जाते हैं, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर जो लिक्विड्स वॉलेटाइल हो जाएंगे उनको वॉलेटाइल लिक्विड्स बोलेंगे। ये हमने 9th क्लास में डिस्कस भी किया था। नाउ कमिंग ओवर टू द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट सारे के सारे वो सॉल्वेंट हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड किस में डिसॉल्व होंगे, ज़्यादातर मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के बॉन्ड्स होंगे, सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हुए। यहाँ जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट बॉन्ड लाइक वाटर, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना, और डिटेल्स आएगी। वाटर पोलर क्यों है, कार्बन नॉन पोलर क्यों है, ये बात की बात है, आपके लेवल की चीज़ नहीं है, ठीक है, केवल इतना याद। ये 8 डिफरेंस हमने मेजर लिखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, डन। स्क्रीनशॉट ले लेके मत रखना, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए मैंने, हाँ चलिए एग्जाम्पल लिख दिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड की स्ट्रक्चर। ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा लेट लिया है, क्योंकि पहले आपको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड और उसकी स्ट्रक्चर बताई, उसके यूजेस बताए, उसकी प्रॉपर्टीज बताई, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताई। नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर और द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड कैसे बनेंगे और उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। वेल, ये हमको सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। सर कितनी बार बताओगे, फिर भी तो भूल जाओगे। हाँ देखिए, कैसे बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, कुछ स्ट्रक्चर्स मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा तो आप याद रख जाओगे।
सी, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड्स। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन लेकिन हम बाद में दिया, पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। वाई अभी डिस्कस करेंगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो सिमेट्रिकल वे में रख लो, एक कार्बन को दो ऑक्सीजन कवर कर लेंगे ना। कार्बन का एटॉमिक बिल्कुल एबीसी बता रहा हूं, जिसको कुछ नहीं पता वो भी अगर देखेगा ही विल बी क्लियर विद हिज कंसेप्ट। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 6, 2 6 8, अरे 2 4 6। यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन के पास 6 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो रख देते हैं हम 1 2 1 2 3 4 1 2, बड़े बनाऊं आपको 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हमने रख दिए, इसके 6 इसके 6। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके कौन से इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं। इतना समझ में आ गया, सिंपल है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमने 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, इन द सेम वे यहाँ रख दिए। अब ऑक्सीजन ये चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये भी और कार्बन भी चाहता है। एवरी एटम ऑफ द एलिमेंट वांट इट्स स्टेबिलिटी, सारे अपनी अपनी स्टेबिलिटी स्टेज चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि स्टेबल हो जाए, लेकिन किसी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। देन व्हाट दे विल डू, ऑक्सीजन विद कार्बन शेयर दीज टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन। कार्बन बोलेगा भाई दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन हमारे, जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको शेयर कर लेंगे। अभी सिर्फ सर्कल इसलिए बनाया कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन इससे ले लेगा और अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा वेन एवर इट विल बी रिक्वायर्ड। तो 6 + 2 8 ये हो गए, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इन द सेम वे यही कंडीशन यहां होगी, इस ऑक्सीजन को भी सेटिस्फेक्शन मिल गया, इसके भी हो गए, लेकिन कार्बन ने शेयर किए दिए नहीं है, डोनेट नहीं किए, तो कार्बन क्या करेगा भाई, अपनी बाउंड्री यहां बनाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर किए तो कार्बन की बाउंड्री ये होगी। अब कार्बन की बाउंड्री ये है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 जो इसके पहले थे, 2 ये 5 6 2 ये 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन सबके पास हो गए। दिस वॉज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, डन। नाउ इसको हम लिखें कैसे, ये तो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स डॉट के फॉर्म में दिखा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब एक चीज लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होती है, ये कार्बन है यहां ऑक्सीजन है यहां ऑक्सीजन है, तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक ऑक्सीजन का यहां, इसने भी यहां शेयर किए, तो कितने बॉन्ड बने, दो बॉन्ड बने यहां पर, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बने, एक सिंगल बॉन्ड ये एक सिंगल बॉन्ड ये, दो बॉन्ड यहां बने, या ऐसा कह लो कि डबल बॉन्ड बना यहां पर,
सिंगल सिंगल बॉन्ड दो बने तो सिंगल सिंगल बॉन्ड चार बन गई, या बात करें कि डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एक बना, एक डबल बॉन्ड ये बना, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल सिंगल चार बॉन्ड होंगे या डबल बॉन्ड दो होंगे, इट इज़ द सेम थिंग, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें वास्ता ये है कि हमारी कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखेगी कैसे, हाउ इट सीम्स टू बी, इट सीम्स टू बी ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज आवर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, राइट इट डाउन, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। हंड्रेड परसेंट एक स्ट्रक्चर बनाने को आपको आएगी, 100% एक स्ट्रक्चर आपको बनाने को मिलेगी, मेरे एग्जाम से तो मिलेगी डेफिनेटली, बोर्ड एग्जाम में भी 90% चांसेस हैं कि एक स्ट्रक्चर आपको बनाने को मिल जाए, और अगर साथ में इसके आपसे इसके डिफरेंसेस पूछ लिए या प्रॉपर्टीज पूछ ली तो क्वेश्चन 3 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डन, समझने की कोशिश करिएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाई हमने कार्बन डाइऑक्साइड की, अब सिंपल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आपको डिफरेंट एटम्स की मैंने स्ट्रक्चर बताई है, डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स की, अब देखिए पहली स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली कार्बन डाइऑक्साइड की, सो इट वाज सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये थी कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कम ओवर टू द चलो हाइड्रोजन को ले लेते, नाउ सी हाइड्रोजन भी अपने आउटर मोस्ट सेल फुलफिल करना चाहेगा, लेकिन हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन होते ही आउटर मोस्ट सेल फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल मैक्सिमम और मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब इलेबोरेट करेंगे, एक हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये आपस में शेयर कर लेंगे और अल्टीमेट स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, एच सिंगल बॉन्ड एच, डन। इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, और यहां क्या करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये स्ट्रक्चर इसने बनाई, ये स्ट्रक्चर इसकी है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस वे में हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये मैं बता चुका हूँ आप लोग, इसलिए रफ डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों यहाँ प्लेस कर लेंगे पैरेलल में, आओ शेयर कर लेते हैं, ठीक है, आप मेरे इलेक्ट्रॉन से काम चला लेना, मैं आपके इलेक्ट्रॉन से काम चला लूँगा, इस सर्कल में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस सर्कल में भी इलेक्ट्रॉन दो हैं, ये यहीं पर सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन की एक ही शेल है और उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इनके हो गए, और इसका ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्लोरीन का, नाउ सी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2, 8, 7, यानी क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक क्लोरीन सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, 7 हो गए। इन द सेम वे यहाँ कर दो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लोरीन के 7, इस क्लोरीन के 7, अब इनको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, सो दिस विल बी द सर्कल फॉर दिस क्लोरीन and another one will cover the electrons of next chlorine,
एंड अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर विल बी Cl सिंगल बॉन्ड Cl. डन. नाउ और एग्जाम्पल है आपके पास में करने के लिए. नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है. ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है. ये सारे आप खुद करोगे. नाइट्रोजन ऑक्सीजन. वाटर का एग्जाम्पल है जहाँ दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप खुद करेंगे. एक एग्जाम्पल मैं आपको एडिशनली और करा रहा हूँ. दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और करा रहा हूँ. सी, आपको मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. अगर मीथेन हम लिख रहे हैं तो राइट नाउ यू जस्ट लर्न द फॉर्मूला ऑफ मीथेन विच इज CH4. वन कार्बन इज अटैच्ड विद फोर हाइड्रोजन एटम्स. हाउ? एक कार्बन चार हाइड्रोजन एटम रखने हैं. हाइड्रोजन 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 ऐसे मत रखना प्लीज. भगवान ने दो हाथ दिए, दोनों बराबर डिस्टेंस पे दिए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे दिए हैं और सिमेट्रिकली दिए हैं. यह क्या है, एक यहाँ है, सिमेट्रिकली दिए. तो आपको इस कार्बन के चारों हाथों को सिमेट्रिकली रखना पड़ेगा, है ना. ये रूल्स नहीं है, मैनर्स हैं. दीज आर नॉट द रूल्स, दीज आर द मैनर्स. ठीक, ध्यान रखना. तीन अगर हैं, अगर कोई एटम तीन है तो इस वे में रखो, दो हैं तो ऐसे रखो, चार हैं तो ऐसे रखो. ठीक है, सिमेट्रिकल होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा, क्राउन थोड़ी बना रहे हैं. डन, ये ध्यान रखना. तो क्या करना है, ये ऑप्ट कर लो. कार्बन, कीप द कार्बन इन द सेंटर एंड गिव हिम फोर हैंड्स. एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन. सारी एक एक है तो चार कैसे हुई. तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन एंड चार हाइड्रोजन. डन. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. कार्बन के पास भी चार इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब जब शेयर करेंगे तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर. देखो इस स्ट्रक्चर को मैं यहां बना के दिखा रहा हूं. वी डिड नथिंग. कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कंपाइल कर लिया. नथिंग वी डिड. हमने ये किया है जो मैं इसमें नहीं करना चाह रहा था. ठीक है, डायग्राम हमारा खराब हो रहा, दैट्स व्हाई. इस चीज को मैंने नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर कर दिया. ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, हमने एनसर्कल कर दिया. ये ऑक्सीजन, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, इसको अनसर्कल कर दिया. इन द सेम वे हियर आल्सो एंड दिस आल्सो वी हैव अनसर्कल्ड. अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बन गई हमारे पास अल्टीमेटली. कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. डन. दिस इज द ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये मीथेन की. ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. ये फ्लावर है, फ्लावर नहीं होता कुछ भी. हाँ चलिए, इन द सेम वे और स्ट्रक्चर्स भी हमारी बुक में दी हुई हैं, प्रैक्टिस करना. और कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं आती है तो मुझे पूछ लेना. और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हम डिस्कस करेंगे बचा हुआ कुछ पोर्शन जिसमें बात आएगी कैटिन वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन. एलोट्रॉप्स भी है आपके सिलेबस में, तो पहले बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन और उसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन एंड देन एल्केन्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. वो बात की बात है, राइट. टिल जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको सेंड करूँ, इसको प्रैक्टिस करो और इसको प्रैक्टिस करो. मैं अगेन एंड अगेन रिपीटिंग आई एम दैट 100% वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू
कम इन योर टेस्ट पेपर एंड 90% चांसेस आर देयर कि कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीजें आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए. राइट, टिल आई अपलोड माई नेक्स्ट लेक्चर, स्टे स्टडीड एंड बेस्ट ऑफ लक.